सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करते नी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करते नी, धरती बैठल धरती माता के प्रणाम करते नी, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम करते नी, प्रणाम स्वीकार हो के आप सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरण में प्रणाम करते नी, प्रणाम स्वीकार हो के। आई दीदी आप लोग के बीच में एगो बहुत प्यारा सा सुंदर सा कथा लेके आयल बनी, उम्मीद करते नी कथा रो लोग के अच्छा लगे। देखिये दीदी एगो मंदिर रहे, वो मंदिर में दू जनी पुजारी रहे लोग। एगो जन पुजारी रहलन महादेव के बड़ा पूजा पाठ कर, वो पुजारी जन रहलन दूसरा पुजारी वो महादेव के पूजा कर। जन पहला पुजारी रहलन पूरा मन से पूजा कर, जन दूसरा पुजारी रहलन उ तनी फुअरकम से पूजा कर। अब ई जन पुजारी रहलन उ का कर, एगो पुजारी जन रहलन उ सवेरे उठा महादेव के नहा धो के एक लोटा जल साफ लेके चढ़ा द। आ जन दूसरका उजेरी रहना उ जब सवेरे उठ तो एक लोटा पानी रखले रह रात के, सवेरे जब उठ तो वे लोटा के पनिया पी ल, आ पी के जन बचे नहा धो के वे लोटा के पनिया ले आके बाबा पर हर हर महादेव को के ढार द। रोज के ये काम रहे, रोज का करो सवेरे उठ जा मर मैदान क के आवा, लैट्रिन क के आवा, अला के बाद से का कर कि एक लोटा जल रहे उहे पी, आ पी के उहे जल वाले आके महादेव पर हर हर महादेव क के चढ़ा दो। रोज हर हर महादेव क के चढ़ाव। एक दिन पार्वती माता देखरी तो कहली अरे महादेव अरे हाउ देख तनी का करत इतना गलीज बा कि उहे लोटा लैट्रिन करे लेके जाता, उहे लोटा से पानी पियता, उहे पनिया जूठवा लिया के रौरा पर चढ़ावत, ये तो नरक करता। महादेव हसनी छुपा गईनी कुछ ना बोलनी। गौरा माता रोज रोज ही बतिया कह, आ भोलेनाथ जी रोज रोज बटिया दो। फिर एक दिन भोलेनाथ कहनी कि ए गौरा एक काम कर, अरे तनी भांग पीस पीस के लिया तन हमके पियावा आहार करावा भूख लागल बा। कहली देखी हम ना पीस उस के पियाए, रौरा के तनास करते बड़ा सा साथे साथे हम न सातनी। रौरा पर जल ढार तरसन उहे उल्टा पुल्टा वाला उहे जल हमरो पर गिरता, हम न सातनी रौरो न सातनी, हमरा से भांग उंग ना पिसाई। रौरा के हम कितना समझाई जी, एगो हम पुजारी बाराऊ उ पुजारिया के रोड़ा देखत नहीं की कहे नी हम तीनों लोक के देखत नहीं, ओकरा के नहीं खेर रोकत कि रोज रोज उहे लोटा लेके लैट्रिन करे जाता, उहे लोटा लेके आवत त पिया त पानी, आ वही पानी से लिया के आपके हर हर महादेव को के जल चढ़ावता रोज रोज हम ना साथ तनी। महादेव कहनी कि महादेव कहनी तार कहे के मतलब का बा हमरा रोज समझ में नहीं किया, और तू रोज ये बतिया कहत आ त का करी हम, उ देख तनी त हमरा घिन आवता। महादेव कहनी कैसन का करता कि घिन आवतर तारा के, आ त घिन ना आई जी हौ देखी ना पुजारिया के एगो पुजारी बाराऊ रोज नहा धो के साफ सुथरा फूल उल लोड के ले आवता, साफ जल लेता ढारता, आ एगो ई पुजारी बा राती के भर के बसिया पानी रखता उहे लोटा लेके चल जाता मर मैदान करे, मर मैदान क के आवता त उहे जल जन बचल आता पानी उहे पानी रोड़ा पर चढ़ावत, रोड़ा बुझात नहीं के कि कितना गलीज में रौरा रहता नहीं। बाबा कहानी कि गंगा जी बाड़ी, गंगा जी जान तरू ना अतः गंगा जी में लोग जाता कपड़ा धोवाता कुल्ला कराता का कराता लोग, आ गंगा जी के पनिया लोग लिया के चढ़ते ना बा, तो गंगा जी कहे कहल जा रहा गंगा जी पवित्र बाड़ी, आ तो चलो अगर कोनो भक्त हमारे यहाँ करता ही बात जाए दो। अब गौरा माता ऋषि आ गईली, फिर से महादेव सुबेर भइल कहनी महादेव कि अजन तीन दिन से भांग नहीं खात, हमरा के भांग तुरा ले आव। कहली देखी जब रौरा हमार बात नहीं मानत तो हम काहे ला मानी जी रौर बात, हमार तो बात रौरा मानत तो नहीं खी, जौन हम कह तनी बुझत नहीं की हम काहे खातिर पीसी रौर भांग, हमरा के रौरा नहीं बुझत तो हम रौरा के नहीं बुझब, जाई जाई उ फुअर को कुल से लेके भांग धतूरा खाई पी, हमरा मान के नहीं खेरा सब बोझा उठाई लेके। महादेव कहनी अच्छा बताओ आज तहार बात ही हम सुनिए ले तनी, आखिर तू का कहल चाहत। तो देखी दीदी
का भइल कि महादेव कहनी बताओ आ सार्जन शिकायत बा तू कह हम तार शिकायत सुन ले। आ तो देखी ना शिकायत तो इहे बा कि दूगो पंडित बाड़ सन, एगो पंडित बा रोज नहाता धोवता नियम से पूजा करता साफ जल ले तर पढ़ारता, एगो हौ बा हौ देखी उ रोज का करता एक लोटा पानी धरता उहे लेके आता मर मैदान करे मैदान उदान क के आवता मर मैदान क के आवता तो उहे जल जल रहता उहे हमारे ऊपर चढ़ावता। ये बताई वो गलीजे न बा उहे पियाता उहे लैट्रिन करे जाता उहे लिया के हमारे ऊपर ढारता रौरे ऊपर ढारता हमारे ऊपर ढारता हम तो नशा तनी रो तो नशाते बनी साथे साथे हम हूँ नशा तनी। अत का चाहत रू अत चाहती है बानी कि ओकरा के कुछ करी दया व करी कुछ ओकरा पे कि तनी ओकरा बुद्धि खुले ये सन करत काहे करत। अब बाबा कहनी कि अच्छा ई बतावा रोज रो तारी है सवाल बा कह के बताई कि आंखी देखा के बताई कहली एक काम कही हमरा के आंखी देखे के बा हमके आंखी देखाई। अत ठीक बा आंखी देखबू तो चलो हमारे साथे। अब महादेव अब पार्वती माता आई लो आई लोग तो खूब महादेव के दया रहल खूब आनी तूफान बरखा बुन्नी पूरा अत्थर पत्थर पड़े लागल जन पुजरिया बढ़िया रहे जन रोज नियम से पूजा करे साफ सुथरा रहे उ पुजरिया जब पत्थर उत्थर बरसे लागल तो छोड़ के भाग गई घरे कलश हम नहीं रहब अगर हम रहब तो घर और गिरी चता के मर जाए उ भाग गई। आई जन रहे पपिया वाला जन जलवा पिए लैट्रिन करे लेके जावा बाबा पे ढारे उ बाबा के पकड़ के चारों ओर से बैठ गई है कहे ए महादेव हम के घाव लगी तो कोनो बात नहीं खे रौरा के लाग जाए तो हम जलवा के करे पढ़ार हम जल के करे पढ़ार जब रौरे के चोट लग जाए तो। अब का कैलस चारों ओर से पकड़ के बैठल रहे कि कहीं गिरी ईटा पत्थर बाबा चता दिए तो हम जल की करे पढ़ारो। पार्वती माता जब ये बात देखली सुनली का कहली पीछे मुंह क के अब तो उनका कुछ ठीक लागत ना रहे मुंह पीछे घुमा ले ली घुमा के अब चिंता में पड़ गई मुंह बन गई कहलन कि का हो गौरा अब का करबू अब का कहबू हमारा के तू चार दिन से भांग दतूर के भोग देहलू नही अब हम का करी कहली का करम का बड़ा बड़ौन गलती हो गई है महादेव रत जगत के गुरु हई अरे कुछ दया कह दी ओह पर के जन फुहर कमुआ करतल तीन साफ सुथरा काम करे तो कहलन कि अब्बो तार मन में ये बा बतावा उ साफ सुथरा करत रहा ओकरे अंदर पुण्य बा कि एकरे अंदर पुण्य बा कहलन कि कहली कि ये महादेव सही कहतनी जन साफ सुथरा पुजरिया बा मन साफ सुथरा रहले से शरीर साफ सुथरा रहले से कोनो मतलब नहीं होला मन अंदर से साफ सुथरा रहे के चाहिए महादेव बहुत बड़वन गलती हो गई। अब का भइल पार्वती माता महादेव से माफी मंगनी माफी मंगला के बाद से महादेव तो हमेशा मुस्कुराते रहनी। ये कथा रहला दीदी तो देखी दीदी अंदर से मन साफ रहे के चाहिए ऊपर से साफ रहे चाहे ना रहे उसे कोनो मतलब ना होला मन साफ रहे के चाहे बाबा वही में खुश रहे। आज की कथा ये समाप्त करते दीदी कैसा लाल कथा अगर अच्छा लागल हुई चैनल के सब्सक्राइब करके जाए वीडियो के लाइक करब शेयर करब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे लोग आज का इतना ही धन्यवाद। बोली हर हर महादेव संभवे गुरुवे नमः धन्यवाद।